बहन मायावती को पूछा, में सत्ता कोई ऐसी बात है जो प्लेट में परोसकर दी जाती है? जो प्रयोग काशीराम जी ने यूपी में करके दिखाया वो प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर होना जरूरी है। मैं पहले कॉलेजियम का विरोधी था, मगर मैं अभी सोचता हूँ कि आरएसएस के पास पावर है अभी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करने का, नरेंद्र मोदी के पास कोई? नरेंद्र मोदी तो नामधारी आदमी है भाई, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार है सरकार को, संविधान बदलना देशद्रोह है। सर, जिस तरीके से ये प्रोग्राम रामलीला मैदान में चल रहा है उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके? ये तो संगठनकर्ता जो लोग है, ये उन लोगों को पूछा जाने वाला सवाल है जो मेरे मन में भी था, मैंने वहाँ उठाया कि तमाम संगठन के लोग मंच पर बैठे मगर उन लोगों ने अपने लोग लाए नहीं, या तो लोग है नहीं या तो लोग लाए नहीं, दो में से कोई एक बात सही है। टाइमिंग की मिसिंग है थोड़ी सी, ठीक है, दो बातें। मैं ब्लेम नहीं देना चाहता, मगर लोगों का इस तरह के आयोजनों में तमाम संगठनाओं को इकट्ठा करके प्रयास करना अच्छी बात है, मगर कल क्या होगा इस पर लोगों का यकीन नहीं है कि ये नेता लोग निरंतरता में इकट्ठा रहेंगे, इस पर लोगों का यकीन नहीं है। मैंने काशीराम जी का भी एग्जाम्पल दिया कि काशीराम जी ने महाराष्ट्र में लोग उनको यही कहते थे, उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया ना, नहीं ये रास्ता सही नहीं है, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जनता को जगाकर जोड़ने का, और उसको उन्होंने करके दिखाया, सफल करके दिखाया। सर जेएनयू में ब्राह्मण देश छोड़ो करके नारे लिखे गए सर, जेएनयू में? नहीं, मैं इसके समर्थन में नहीं। सर सर सर, मान लो कल आप लोगों का राज आ गया तो प्रजा तो चाहिए राज करने के लिए। मान लो कल ब्राह्मण भारत में नहीं रहेंगे तो राज किस पर करोगे आप? राज करने के लिए कोई प्रजा तो चाहिए। अगर षड्यंत्र करेंगे तो षड्यंत्र इसलिए करेंगे कि लीडरशिप आपकी कमजोर है। नहीं, लीडरों में एकजुटता नहीं है, ये सिद्धांत तो काशीराम जी ने ही गलत साबित कर दिया, इसलिए इसका कोई मीनिंग है नहीं। लीडरों में एकता का जो सिद्धांत है, जो काशीराम जी ने कहा, फालतू सिद्धांत है, जनता को जगाओ, जनता को संगठित करो और उसका उपयोग करके रिजल्ट निकाल के। 75 साल हो गए सर आजादी को, 75 साल हो गए हैं तो अभी तक बहुजन समाज जागा ही नहीं है। अरे तो 2,500 साल का समय में तो इन लोगों को सामूहिक रूप से पढ़ने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला या उसके पहले? आप कोई बता सकते हैं कि इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार पढ़ने लिखने का था? है आपको पता 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, इस तारीख से पहली बार भारत के इतिहास में 2000 साल के बाद, जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की, उसके बाद जब मनुस्मृति लिखी गई, उसके बाद हमारे लोगों के पास पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मिला। ये तो अभी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग है, अभी ज्यादा बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरे खानदान में मैं ही पहला आदमी हूँ, मेरा बाप, मेरा दादा, बिल्कुल सही सर, और ऐसे आप लोगों के भी परिवार में होगा। सर, एनसीडी में फिर से आम आदमी पार्टी जीत गई है, जो बीजेपी वहाँ पीछे हो गई है, कोई कह रहे हैं कि ये तीसरा? देखो, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, अब एक बनिया की पार्टी आ गई है, तो इतना फर्क हो गया। गांधी भी बनिया था, तो हो सकता है कि ये नया गांधी हो। तो हमारे लोग हाँ, तो ये लाने की जरूरत है ना, ये करने की जरूरत है, हम लोगों को ये करना चाहिए। हम लोग इस तरह की बातें तो करते रहते हैं मगर संगठित शक्ति बनाने में कोई सहयोग नहीं करते। केंद्र में बहुजन की शक्ति कब आएगी सर? हाँ, केंद्र में काशीराम जी ने क्या ब्राह्मणों की शक्ति बनाई थी?
क्या बात कर रहे हैं, कोई पार्टी सत्ता नहीं आ रही ना, ये तो समस्या है। हमारे सामने हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी करके दिखाई, उसका साथ नहीं दिया, इस वजह से समस्या है। हमारी ये तो भाषण में सुन लेना, देखो शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ो सब मिलेगा। सत्ता में नहीं है, सत्ता में सत्ता कोई ऐसी बात है जो प्लेट में परोस कर दी जाती है। पहले के समय में तलवारें चलती थी तब राजा बनता था, लोकतंत्र में संगठित शक्ति वो काम करती है जिसके बल पर सत्ता मिलती है। जो प्रयोग काशीराम जी ने यूपी में करके दिखाया वो प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर होना जरूरी है। माननीय मामन मेश्राम खत्म होते नजर आ रहा है, काशीराम की बनाई हुई पार्टी वो भी खत्म होते नजर आ रहा है। ये तो बहन मायावती को कॉलेजियम सिस्टम पर क्या, ये तो बहन मायावती को पूछना चाहिए, जो कि नियुक्ति बारे जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके बारे में आप क्या क्या कह रहे हैं। देखो ये कॉलेजियम सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मगर यदि आरएसएस के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त करने का अधिकार होता तो परिस्थितियां बहुत खराब होती है। मैं पहले कॉलेजियम का विरोधी था, मगर मैं अभी सोचता हूं कि आरएसएस के पास पावर है अभी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करने का, नरेंद्र मोदी के पास कोई, नरेंद्र मोदी तो नामधारी आदमी है भाई, नरेंद्र मोदी नामधारी है, नॉमिनेटेड है। सर कुछ लोग करेंगे संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार है सरकार को, संविधान बदलना देशद्रोह है। ये मालूम है क्या, संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार 2/3 मेजॉरिटी के आधार पर आप कर सकते हैं, कोई पार्टी बीजेपी भी कर सकती है, मगर संविधान बदलने की बात करना देशद्रोह की बात है। ये बताओ हमारे लोगों को ये समझ में आता है, ये भी तो समस्या है कि क्या करना क्या है, ये भी तो समझ में नहीं आता। संविधान बदलना देशद्रोह का काम है, संविधान में अमेंडमेंट करना ये तो संवैधानिक अधिकार है। सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश, सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चार बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, आखिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं ऐसी सरकारें बनती हैं बहुजनों की, किसी और प्रदेश में नहीं है। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 13.5% है, यूपी में 22.5% और जनसंख्या चुनाव लड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ये मालूम है, मालूम नहीं है ना, इस वजह से समस्या है। तो सारे देश भर में काशीराम जी को रिसोर्सेज देने का काम और सारे देश भर में काशीराम जी की लीडरशिप इस्टेब्लिश करने का काम किसने किया। अरे तुमको पता है, जानकारी है नहीं कुछ, एबीसीडी की जानकारी है।